तारीख को ये जो छुट भैये नेता घूम रहे हैं बनके एक दूसरे का चोला लगा करके घूम रहे हैं, 10 तारीख को सारे के सारे आपको दिखाई नहीं देने के, और फिर ईवीएम का रोना रोएंगे हर बूथ पर भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। अभी से बता दिया ईवीएम पर रोना इनको, अभी से ही 10 तारीख में गठबंधन होगा, गठबंधन 10 तारीख में जब जब वोट खुलेगी ना फिर गठबंधन होगा। एक मिनट, मैं देश का सैनिक हूँ, मैं देश का सैनिक हूँ, हमारा 18 महीने का डीए रुका, हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर पर जाकर देखो आज सड़कें कहाँ तक बन रही है, जहाँ हम चार पाँच पाँच दिन पैदल पहुँचते थे ना वहाँ तक आज हम सड़कों जा रहे, बस जा रहे बैठे हुए, हेली हमारे लिए लगाए गए, फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई सरकार में, इस सरकार को ठोक देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हम बोलते दिल से जय श्री राम। ये सरकार एकदम सच्ची है, ये सरकार सच्ची है, सच्ची सरकार है ये। अच्छा, जो पैसा खर्च कर आरोप तो सब लगा रहे, कुछ करना आरोप लगा रहा है, बहुत सारे गंदे हैं ना। देखते पहले क्या हालत थी प्रशासन की, यूपी के अंदर क्या प्रशासन की हालत थी देखी थी आपने? हम बोलते हैं सर, मैं बोलता हूँ इस चीज को, मैं देश का सैनिक हूँ, मैं बोलता हूँ इस चीज के लिए, मैं बोल सकता हूँ। कह रहे कुछ किया ही ना वो, किसने नहीं चाइना के सामने घुटने टेक दिए, टेक दिए किसने? राहुल गांधी। अरे सालों को हमने मारा है ना उधर, मैं था उधर, हमने मारा सालों को उधर, किसने मारा? हमने मारा ना उधर, क्या बोलते हैं हम देश के सैनिक, हम बोलते हैं मोदी जी की जय। मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर मोदी जी का पैर धोकर पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोदी जी के लिए बोल सकता हूँ। एक मिनट, मैं मोदी जी के लिए बोल सकता हूँ, अगर पैर धोकर पीले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता था भगवान। अरे जाओ अब तुम सुन ले, हमारी बात सुन ले, हम जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत देश को मिला नहीं, राज्य को मिलने को वाली नहीं है, मिलना ना। अच्छा तो मुख्यमंत्री की भी तो बता दो, मुख्यमंत्री तो पूरा देवता है, देवता है, देवता मुख्यमंत्री देवता हो, हाँ देवता है वो महान मूर्ति, ये तो अवतार है दोनों, योगी जी भी गठबंधन हो लिया, गठबंधन की ऐसी की तैसी गठबंधन होगा, ठगबंधन है, गठबंधन के साथ जा रहे जाट किसान सब, कोई नहीं जा रहा, हम भी जाट ही हैं, जाट हम डंडा धा दिया। एक मिनट, जाट हो सरकार बनावेंगे, ये तो बताओ जाट हो? हाँ जाट, जाट हो, हाँ कह रहे जाट तो आरएलडी के चले गए, हाँ आरएलडी पे, आरएलडी पारएलडी बढ़ गया तहसील में। सुनो सुनो, अकबरात गांव पड़ता है कोतवाली के पास, कोतवाली थाने में एक एससी की लड़की थी, मुस्लिम के लड़कों ने दिन में खींच ली थी घर पे, अब क्या हुआ 8 लाख तो देने पड़े उन्हें, और सामने घर के सामने चौकी बनी है पूरी चौकी चंडी देवी, अब मुस्लिम ये कह रहे थे कि जिस दिन योगी की उसकी सरकार आ गई ना समाज आती की इस चौकी अंदर से इस चौकी के ऊपर अली वेदे से मसारा मतारा लिखा जाएगा, मदरसा लिखा जाएगा इसका, मदरसा बनेगा चौकी का, चौकी का, चौकी का, चौकी का मदरसा बना देंगे, ऐसा कहीं ऐसा कहीं अखिलेश की सरकार आने पर हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, जिसकी बहन ने फूल माला बेच ली है, जिसकी बहन फूल माला बेच ली है उसको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। योगी जी आएंगे पूर्ण बहुमत में आएंगे, पूर्ण बहुमत में 300+ में आएंगे, कोई नहीं हरा सकता, किसी नहीं, लिख के ले लो, लिख के ले लो, कोई नहीं हरा सकता, योगी जी हैं, योगी जी हाँ बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। अब तो करल से भी उनका जो दावा कर दिया था ना उन्होंने जीतने का अखिलेश ने, अब तो उन्हें वहाँ से भी मुश्किल है जीतना, वहाँ से भी मुश्किल हो गया भैया, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, गढ़ है वो तो, जनता बिल्कुल नकार चुकी है, कितने गठबंधन कर लियो। अरे बसपा ने भी ये कह दिया है, हमारे दलित समाज के जितने भी भाई हैं, हमारे दलित समाज के जितने भी भाई हैं, उन्होंने भी ये कह दिया हमें तो भाजपा को जिताना है, यूपी मांगे हर बार भाजपा सरकार, और फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और 300+ भैया गठबंधन हो गया। जैन चौधरी कह रहे चर्बी उतार देंगे बीजेपी के नेता, भाई साहब जैन चौधरी का तो कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ सपा के जितने भी विधायक थे उन्होंने तो उन्हें टिकट दिया है, किसी भी जाट को टिकट नहीं दिया। अगर जाट भाई हमारा सोच रहा था कि हम अगर रालोद को वो देते हैं वोट तो हमारे तो 3 ही विधायक जाट जीतेंगे, लेकिन अगर भाजपा को वोट देते हैं तो हमारे 32 विधायक जाट जीतेंगे। बोले वो तेरा का कान राजाट नहीं भूले, वो तेरा का कान राजाट भूले नहीं, अभी भूल गए कुछ नहीं भूले, जयंत भूलना है, जयंत जयंत भूलना है और नहीं भूलना कोई, जाट में तो राज
राष्ट्रवाद का खून भरा हुआ है। हाँ जी कैसे तुम्हें कैसे पता ना अरे नहीं बोल रहे पता चल जाएगा 10 तारीख में पता चल जाएगा आपको मिल गया बिल्कुल मिल गया हूँ 10 तारीख में पता चल जाएगा। पप्पू है मेरा नाम। पप्पू जी क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद अवेशी भी है अवेशी कहीं का बाढ़ में पड़ गया योगी जिंदाबाद योगी अखिलेश यादव जी है कोई नहीं है कुछ भी नहीं है क्या करा गुंडा क्या गठबंधन हो लिया कह रहे किसान क्या करा गठबंधन क्या करेगा कुछ ना हो सका वो अपने का क्या होगा भाई क्या नाम है पहले नाम बताओ मोहित कुमार मोहित कुमार कुमार जी आप बताओ क्या कह रहे बोला अखिलेश अपने बाप का नहीं हुआ तो वो दूसरे का क्या होगा पब्लिक का क्या होगा बताओ जरा वो तो कह रहे हम तो जनता के साथ खड़े किसानों के जो अपने बाप को नहीं देख रहा वो हाथ पकड़ के कुर्सी से निकाल दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलायम सिंह को तो बताओ खुद मुलायम सिंह की जगह खुद कुर्सी पे बैठ गया तो अपने बाप की नहीं देख रहा हो तो अपने क्या देखेगा बताओ या तो जेल में है या ऊपर है या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों की लिस्ट में सब गुंडे हैं और बाबा जी के राज में कोई गुंडागर्दी करने का गठबंधन हो गया भैया गठबंधन की ऐसी की तैसी। युवा किसके साथ जा रहा है? भाजपा भाजपा के साथ जा रही है। अखिलेश पे चले गए सारा अखिलेश और गठबंधन हो लिया ना जी ना भाजपा ही चाह रही है बस भाजपा ही चाह रही भाजपा कह रहे गठबंधन हो लिया भैया क्या हो गठबंधन होने से RLD मिल गई युवाओं की पार्टी देख लो यहाँ भी सारे लोंडे खड़े हैं ये युवा ही खड़े कमजोर पार्टियों की जरूरत पड़ती है गठबंधन की ये बहुत सही मजबूत पार्टी को अच्छी पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती गठबंधन की। जय श्री राम जय श्री राम। किसान नाराज है किसान नाराज नहीं है कुछ किसान कान गए सी नाराज है किसान नाराज नहीं है जाट नाराज नहीं है जाट हमारे साथ है जाट नाराज नहीं है जाट हमारे साथ है। RLD और इसका गठबंधन हो लिया कुछ नहीं है कुछ नहीं है ये सब कल्पना बड़े बातें हैं सब कल्पना बड़े बातें हैं। अगर मैं क्या हुआ था पता तो होगा बता दो क्या हुआ था। हाँ तो अखिलेश की सरकार में हुआ था सबसे बड़ा दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में। बताओ क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। कानून क्या व्यवस्था? मेरा नाम बाबूराम सैनी। सैनी जी माहौल बढ़िया है? बहुत बढ़िया माहौल है। रात को निकल जाता है कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी। हाँ आने पहले डर लगता था निकलते हुए भी पहले डर लगता था अब नहीं कोई डर। कैसा डर था पहले? पहले डर था चोर उचक्के लूट लिया करते थे कह रहे RLD सपा मिल गई अब तक पश्चिम गया 70 भूतों की सरकार नहीं चलेगी सरकार श्री राम की चलेगी श्री राम की सरकार। हाँ श्री राम ये श्री राम है। अब तो वो भी कह रहे मंदिर बनाएंगे सरकार बन गई मोदी राम है लक्ष्मण योगी है लगा रहने वाला समझे इस सरकार में सगुन से जी रहा सही बताओ। मैं सही बता रहा सगुन से जी रहा तू समझे। और आप? मैं भी सगुन से जी रहा। हम तो आपकी पूछ रहे हैं आप अपनी बताओ। सगुन से जी रहा सगुन से बस अखिलेश आ रहे अखिलेश चौथा कहा रहा अखिलेश कीमत पूछे गठबंधन कर लिया था। अरे गठबंधन माना गठबंधन कर ले भाई नचो तो गला कुछ हो रहा कुछ ऐसा हो रहा कुछ ना हो रहा कुछ ना हो रहा। जय श्री राम। अरे किसान नाराज है किसान नाराज है RLD के साथ। अब भैया किसान भी नाराज ना किसान कोई नाराज नहीं। वहाँ क्या था दिल्ली में क्या था? दिल्ली में किसान थोड़े बड़े थे कौन थे? चौथे गुंडे बड़े थे वहाँ पश्चिम भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल जी माहौल भाजपा का है। क्यों माहौल है भाजपा? गठबंधन तो साफ हो जाएगा भैया किसान चले गए साथ। जाट नहीं जाट भी 80% है 80% जाट भाजपा के साथ है जी। किसान कह रहा किसान चले गए किसान परेशान नहीं है। मैं तो खुद किसान हूँ जी अब नलका का जमाना ना रहे अब समरसेबिल का जमाना है। समरसेबिल का जी अब नलका जमाना नहीं है। नल तो गया अब तो समरसेबिल का जमाना है। योगी योगी मोदी मोदी योगी मोदी। हाँ मेरा मैं जाट हूँ जाट। हाँ जाट हूँ। हाँ योगी मोदी नलके के साथ खत्म कोई नल नहीं ठेकी कुछ नहीं सब भूख गया खत्म हो गया पानी सूख गया पानी सूख गया नलका और अखिलेश मिलके सरकार बना गया दोनों गए दोनों भैया जाट जा रहे हाँ ना जा रहे कोई नहीं जा रहा मैं भी जाट हूँ। हाँ योगी मोदी योगी योगी मोदी अच्छा योगी 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 योगी। तो एक बात बताओ जाट हो
जाटों को जाट का कवालकांड भूल गए। मेरी 60 साल की उम्र है, मैं सबको देख लिया। सब सरकार पके सरकार ना मिली, ऐसी सरकार ना मिली। हाँ योगी मोदी जैसी, हाँ गुंडागरी खत्म। अच्छा एक चीज बताओ, जैन चौधरी को जानो? हम नहीं जानते। जानते तो हो गए वैसे तो। हम जानते नहीं ना, हम जानते योगी मोदी को। योगी मोदी हाँ हम जानते।